देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और हमारे बीच में श्री कंवर पाल सिंह स्पीकर, विधानसभा स्पीकर मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्पीकर साहब से पूछते हैं कि आपको स्पीकर साहब किस तरह का एक्सपीरियंस रहा स्पीकर बनकर, सबसे पहले हमें ये बताइए। मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है स्पीकर का, कोई समस्या नहीं आई। जैसे आमतौर पर जिस प्रकार की चर्चाएँ होती हैं हाउस चलाने में, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर निष्पक्षता के साथ काम किया जाए तो मेरे ख्याल में उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल बाहर नज़र आती है या जितना उसका चर्चा होती है। और अभी ये मेरा 5वां साल है और कुल मिला के ये सारा का सारा टाइम बहुत अच्छा निकला है। और मैंने भी निष्पक्षता के साथ काम किया, विपक्ष को भी मैंने पूरा टाइम दिया बोलने में। बल्कि हमारे यहाँ तो अगर आप टाइम निकाल के देखोगे तो विपक्ष का टाइम सत्ता पक्ष से ज़्यादा है। और कोई भी अगर उनके कोई अधिकारों के हनन की कोई इस प्रकार की घटना भी कहीं हुई है विधायक की, तो हमने पूरा उसको पूरी शेल्टर हमने उसको दी, पूरा उसका ध्यान रखा उसका। और अगर हमने उसको ठीक से रखा तो मेरे ख्याल के मुझे भी पूरा सहयोग उनका मिला है, तो उसके कारण कोई समस्या आई नहीं है कभी। स्पीकर साहब, जैसे हम सब जानते हैं कि स्पीकर न्यूट्रल पोस्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी जब भी पिछले 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, हमेशा ऑपोजिशन ये कहती है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, पीएसी मीटिंग में स्तर कम होता है, स्तर को बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में स्पीकर की कहाँ तक भूमिका होती है, इसके बारे में बताइए। क्या पीएसी मीटिंग ही डिसाइड करती है स्तर के लिए कि स्पीकर का भी कोई विशेष अधिकार होता है? देखिए, इसमें जो बीएसी की जो मीटिंग होती है उसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है, तो उसमें फैसला होता है कि सेशन कितने टाइम चलेगा। वो मीटिंग मेरी अध्यक्षता में होती है। अच्छा। लेकिन निर्णय उसमें सरकार की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से जो भी नेता होते हैं, जो अपोजिशन लीडर होता है वो होता है, जो प्रमुख पार्टी है उसका एक होता है। जैसे हमारे यहाँ चौधरी अभय सिंह जी जो विपक्ष के नेता है वो हैं, श्रीमती किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस की लीडर हैं, तो वो होती है। तो उनकी सबकी सहमति से ही टाइम की निश्चितता होती है। और देखिए, प्रेस में तो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जितने भी हमारे सेशन हुए लगभग सब में सबकी सहमति से ही सारे का सारा टाइम निश्चित किया गया। और जहाँ तक बोलने की बात है कि बोलने का टाइम नहीं दिया गया, देखिए प्रेस में कुछ भी है, लेकिन स्वयं अगर आप वैसे बातचीत करो तो सब लोग इस बात को मानते हैं कि हमें पूरा टाइम दिया गया और हमें ठीक समय दिया गया। और अगर आप टाइम को निकाल के भी देखें, क्योंकि हर आदमी जितना बोलता है वो सारा नोट होता है, तो अगर आप निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि जो विपक्ष का टाइम है वो सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार का होता नहीं, कई बार केवल बयान देने के लिए होता है। मैं अपने यहाँ की कह रहा हूँ, हरियाणा की, अब दूसरे प्रदेशों में क्या रहा उसकी सारे की मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ ठीक रहा है। स्पीकर साहब, फिर भी हमारे आप चलो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ व्यक्ति के तौर पर कि सरकार की कार्यशैली पर एक सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया कि गवर्नमेंट की? नहीं, सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए, बहुत ही अच्छे। और जो डेवलपमेंट जिस प्रकार से की गई और जिस निष्पक्षता के साथ की गई, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, और नौकरियों में जिस प्रकार की पारदर्शिता आई, मतलब वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कमाल करके सरकार ने दिखाया। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ये है कि सरकार के ऊपर विश्वास। अब पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ना जी, लोगों का सरकार के प्रति, नेता के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा था। उनको ये लग रहा था कि भाई ये तो सारे के सारे अपना ही गड़बड़ने लगे। तो पहली बार है कि इस प्रकार का हम इन 5 साल में देखते हैं कि लोगों का विश्वास कायम हुआ पॉलिटिक्स के ऊपर। मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी के प्रति हुआ, उसके बाद मनोहर लाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद यहाँ भी कायम हुआ। और आम बातचीत में भी आप किससे बात करो तो वो कहता है कि प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं। तो इस टाइप की पहले थी नहीं। तो जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनको तो पहले विश्वास होना चाहिए ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई छोटी बात नहीं। और उसका ही परिणाम है कि जब मोदी जी कोई भी काम करते हैं, चाहे स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो उसके रिजल्ट आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे समाज में, उसके रिजल्ट है। वो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ही कह दिया, बस आपने कह दिया बात खत्म, केवल नारा नारे के लिए, ऐसा नहीं है। मोदी जो बात करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। भले मैं ये नहीं कहता कि सारा देश कुछ स्वच्छ ही हो गया, लेकिन लोगों पे असर आप देख रहे हो, लोगों पे असर है। भले ही मैं ये कूड़ा उठा के यहीं डाल दूं, लेकिन मैं जब डालने लगूंगा तो एक बार कम से कम मेरे दिमाग में आ गया कि यार मोदी जी तो कहते हैं डालना नहीं, तो उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब में डाल लेंगे वहां नहीं डाल लेंगे, कुछ डाल भी देते हैं लेकिन असर है। स्पीकर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि
हरियाणा में लीड ऑफ अपोजिशन में जो कंफ्यूजन है वो बताइए कि लीड ऑफ अपोजिशन है कौन, जजपा पार्टी है, INLD है, इस वक्त जो आंकड़े हैं वो क्या शो कर रहे हैं इसके बारे में? अभी तो जो अपोजिशन के लीडर है वो बिसिंग चौटाला ही है जो इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, और अभी जितने भी मेंबर हैं वो सारे इंडियन नेशनल लोकदल के हैं उनके। आपके पास कोई लेटर नहीं है जजपा की तरफ के जो मेंबर हैं जो जजपा ज्वाइन की उसका हमारे पास में रिटर्न में कुछ भी नहीं है, ना ही उन्होंने कोई पार्टी छोड़ी है अपनी, और कानूनी रूप से भी वो छोड़ने में काफ़ी समस्याएं उनको आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल से आदमी इसलिए बचाव करता है कि खाए को लिख के देना कुछ देना, तो वो उससे। लेकिन विधानसभा के अंदर श्रीमती नैना चौटाला ने स्पष्ट कहा है कि हमारा INLD से कोई रिलेशन नहीं है, उसके बाद स्पीकर का कोई विशेषाधिकार होता है कि उस पर कोई कार्रवाई कर सके, ये लिखना ही जरूरी होता है क्योंकि वहाँ भी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही ना विधानसभा में। असल में देखिए अगर वो हमें लिख के दें एक तो ये है, और दूसरा ये है कि दूसरी पार्टी भी कोई इस बात का प्रस्ताव लेके आया कि भाई इस पे कुछ होना चाहिए। अब ना ही तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रस्ताव है और ना ही वो लिख के देते, तो मैं बिना उसके ही कहूँगा भी मैं तो अपोजिशन का लीडर बदलने जा रहा, तो वो मेरा ख्याल के फालतू की बात होती है। तो क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया कि इस पे कोई आप हमसे पूछो या यहाँ देखो किसके साथ बहुमत है, क्योंकि वो भी बदलाव करना नहीं चाह रहे थे और ना ही जजपा वाले बदलाव करना चाह रहे थे, वो केवल ये तो दिखाना चाह रहे थे कि हम अलग है, लेकिन बदलाव करने के लिए वो भी तैयार थे। यानी इसका मतलब अलग नहीं हुए, इसका मतलब ये हो गया नहीं, विधानसभा ही कार्यशैली वास्तविकता में क्या है कि देखिए व्यवहार में तो अलग हो लिए वो। सच्चाई तो ये है कि व्यवहार में तो अलग हो लिए, लेकिन जो कागजी कार्रवाई है उसमें वो अभी वही के वही है। तो ये है कि कागजी कार्रवाई जो है उसमें वो नहीं फंसना चाहते, क्योंकि कानून ये कहता है कि वो जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीत के गए कोई भी आदमी किसी भी परिस्थिति में उससे अलग नहीं हो सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए कोई भी फंसना चाहता उसमें तो वो मुंह बंदी तो कह देंगे, लेकिन कागजों में वो सिद्ध नहीं करना चाहते। जो लोगों ने ज्वाइन भी की थी जज्बा वो भी बाद में उस बात से आपने बता गया वो भी थोड़ा बहुत हाँ बदल गए, वो उसको कहने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें नहीं फंसना चाहता कोई भी। तो स्पीकर साहब हमें ये बताइए कि आप लोकतंत्र के यहाँ पर हर स्पीकर एक रक्षक होता है, एक रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रल पर, आप आज के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को आपने देखा होगा विधानसभा में कुछ लीडर बोलते हैं, विपक्ष पर्सनली कटाक्ष करते हैं, जब ऐसी बातें होती है तो आप कैसे महसूस करते हो कि इस पोस्ट के साथ कैसे जस्टिफाई करते हो, आपको ये नहीं लगता कि कहाँ पर मैं फंस गया कभी जिंदगी में? नहीं 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 ऐसी बात तो देखिए अब इस तरीके की बहस तो चलती है, अब सारे लोग इतना नहीं होते सभी केवल उसे, और छोटी मोटी जो मजाक है उस टाइप के वो तो मेरे ख्याल के जरूरी भी हैं, लेकिन भाषा मर्यादित तो रहनी चाहिए। कई बार कुछ लोग इतना बोलते जो मर्यादित भाषा नहीं होती, इस प्रकार के शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं, पर वो बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं होता, और लोग उसको अच्छा भी नहीं मानते। कुल मिला के हरियाणा की जो विधानसभा है उसमें कुल मिला के ठीक है, कुल मिला के ठीक है, औरों से अच्छा है। वैसे वो हमारी छवि हरियाणा वालों की जो है ना बोलने के मामले में जो हमारे शब्दों का चयन है ना वो इस टाइप से का थोड़ा सख्त होता है, लेकिन कभी भी ज़्यादा उसका उल्लंघन यहाँ विधानसभा में कभी नहीं आया, और कभी भी मतलब ऐसे जो अनपार्लियामेंट्री शब्द है ना वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और उनको निकाल देते हैं कार्रवाई से। स्पीकर साहब अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, लेकिन एज स्पीकर नहीं है क्योंकि हम आप अभी बाहर बैठे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के आपने भी रिप्रेजेंट किया है MLA वहाँ से, कि आप इस बजट को जो बजट पेश हुआ है एज MLA, मैं फिर कह रहा हूँ स्पीकर नहीं कह रहा मैं, एज MLA आप इस बजट को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए बहुत अच्छा और संतुलित बजट है, हर मद में वित्त मंत्री जी ने जो उनकी तरफ से पैसा दिया गया वो हर उसमें बढ़ाया उन्होंने, चाहे वो खेती के लिए दिया, बागवानी के लिए दिया, हॉस्पिटल के लिए दिया, सड़कों के लिए दिया, किसी भी काम के लिए जो उन्होंने दिया हर उसमें बढ़ाया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सरकार ने इतने थोड़े टाइम में इतना बड़ा बजट सरकार लेके आई है, 1,32,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है हमारा, जो कि पंजाब से भी काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार 1,15,000 करोड़ का बजट था, 1,15,000 या 1,16,000 लगा लो, कोई थोड़ा 16 से कम था, 15 से ज़्यादा था, और अब की बार 1,32,000 से ज़्यादा का बजट। क्या कोई टैक्स भी लगे कि नहीं? नहीं नए टैक्स अभी कोई नहीं लगाए इन्होंने, लेकिन जो लीकेज थी ना सारी सिस्टम में, तो उन सारी लीकेज को रोकने के बाद ये पैसे की इतनी अच्छी व्यवस्था की, और इतना बड़ा काम आप देख भी रहे हरियाणा में जिस प्रकार से बहुत स्पीड से काम जिस प्रकार चल रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, और वित्त मंत्री जी ने अच्छा उसका वो किया है। तो आपको शायद लगता है कि नेक्स्ट टाइम रिपीट करेगी भारतीय जनता पार्टी?
बिल्कुल जो जो परिस्थितियां हैं। देखिए आज की मैं आपको स्पीकर नहीं पूछ रहा, मैं फिर पार्टी के नाते पूछ रहा हूँ, पार्टी कार्यकर्ता आज, आज की तारीख में 100% भारतीय जनता पार्टी अगली बार चुनाव जीत के आएगी और इस जितना बहुमत आज है इससे ज्यादा बड़े बहुमत से। तो हम भी ये चाहेंगे नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट बजट में आप फिर यहीं पर स्पीकर की पोस्ट पर हो, ये मान सकते हैं हम, देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। वो तो जो ऐसा हो सकता है पार्टी है और जो क्या अगली बार मिनिस्टर बनने का जो सदन का नेता है उन सब के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है और सदन के नेता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। वो मिलजुल के सारी बातचीत होती है, वो तो उन्होंने देखना कि किसको क्या जिम्मेदारी क्या नहीं देनी, मैं इसके लिए तो कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन निश्चित तौर से आने वाला टाइम में निश्चित तौर से स्पीकर बीजेपी का, ये निश्चित आने वाला जो स्पीकर भी होगा वो बीजेपी का होगा और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। तो भाई बहनों ये हमारे बीच में थे विधानसभा स्पीकर हरियाणा श्री कंवरपाल जी, स्वास्तिक शर्मा, अपने कैमरामैन मनदीप गौतम जी के साथ।